हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होते हैं? ये कंजंक्शन जो है ये इस्तेमाल होते हैं सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में, और इस्तेमाल होते हैं ये ब्लैंक्स में भी आते हैं, ये 11th 12th एग्जाम में भी आते हैं, और ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आते हैं। इसको हम पूरा डिस्कस करेंगे, ये होते क्या हैं, ये यूज़ कहाँ होते हैं और कैसे ये यूज़ होते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है? ए कंजंक्शन इज़ अ वर्ड विच जॉइंस टू वर्ड्स क्लाजेज और सेंटेंसेज। ये एक ऐसे वर्ड्स होते हैं, ये एक ऐसे वर्ड्स हैं जो दो वर्ड्स को जुड़ाते हैं, दो क्लाजेज को जुड़ाते हैं, या दो सेंटेंस को जुड़ाते हैं। जुड़ाते हैं मतलब रिलेशन बनाते हैं उनका, ठीक है। दो क्लाजेज का रिलेशन बनाते हैं, दो वर्ड्स का रिलेशन बनाते हैं, या दो सेंटेंसेज का रिलेशन बनाते हैं। ये होते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है। और ये इस्तेमाल होते हैं मतलब ब्लैंक्स भी आते हैं इसके, और इसके मतलब कंजक्शन यूज़ करके कंजक्शन सेंटेंस को चेंज भी करना होता है। ये इस तरह के एग्जाम में आते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी टाइप्स। सबसे पहले जानेंगे हम टाइप्स क्या होते हैं। दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजक्शन। दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। दो टाइप्स होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजक्शन। तो दो टाइप्स होते हैं, आपने उनको अच्छी तरह समझना है। पहली टाइप जो है वो होती है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्या होती है? कोऑर्डिनेट, COOORDINATE, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है, और ये कंजंक्शन क्या होती है ये हम डिस्कस अभी करेंगे। और दूसरी क्या होती है? सबऑर्डिनेट। क्या होती है? SUBORDINATE, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो ये कंजंक्शन जो है ये इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं, अगर आप समझ गए ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है, आपको सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बहुत इजी लगेंगे, और बहुत सारे वर्ड्स आपको आएंगे जो आपको इंग्लिश लर्निंग में भी आपको हेल्प करेंगे, इंग्लिश स्पीकिंग में भी हेल्प करेंगे, इंग्लिश राइटिंग में भी हेल्प करेंगे। अब हम जानेंगे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो एक ऐसा कंजंक्शन होता है जो दो क्लाजेस को जुड़ाता है, दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को जुड़ाता है, और वो सेंटेंसेस सेम रैंक के होने चाहिए। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? ए कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज भी हो सकता है, वर्ड भी हो सकता है, विच जॉइंस टू क्लाजेस वर्ड्स और सेंटेंसेस ऑफ द सेम रैंक, ऑफ द सेम रैंक, सेम रैंक। तो मतलब ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो दो क्लाजेस, दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को जुड़ाते हैं, मगर वो होने चाहिए सेम रैंक के, ठीक है। क्या होने चाहिए? सेम रैंक के। मतलब यहाँ पे हम सेंटेंस लिखेंगे, फॉर एग्जांपल सेम रैंक के कैसे होंगे, कैसे होगा, जैसे ही इज सैड एंड होपफुल, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ही इज वो है सैड एंड होपफुल। तो सैड दुख भी है और उम्मीद भी है उसको, तो ये सेम रैंक हो गया। क्या हो गया? सेम रैंक। मतलब सैड भी है बंदा और होपफुल भी है, मतलब एक साइड दुख है एक साइड होपफुल है, तो इसका सेम रैंक है। तो ये जो बीच में कंजंक्शन इस्तेमाल हुआ ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। क्या है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। समझ आ गई होगी आपको कि अब हम जो है देखेंगे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, तो कौन से होते हैं मेन, द मेन कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस आर कौन कौन से होते हैं ये हम अभी डिस्कस करेंगे। पहला है एंड। एंड मतलब और। तो एंड जो है ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये एक ऐसा कंजंक्शन है जो दो सेंटेंसेस को जुड़ाते हैं जिनका सेम रैंक हो। और एक बात याद रखना, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है ये ही वो कंजंक्शन है जो सिंपल, जो कंपाउंड सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं, जो कंपाउंड सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होता है जिसमें दो क्लाजेस हो और सेम रैंक के हों,
मतलब लेफ्ट साइड भी जो सेम रैंक की क्लास हो, राइट साइड भी सेम रैंक की क्लास हो, और उनको जुड़ाते कौन से हैं, उनको जुड़ाते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। जिस सेंटेंस में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज हुआ हो इट मींस वो कंपाउंड सेंटेंस है। तो कौन से कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन पहला क्या है एंड, दूसरा क्या है आल्सो, ठीक है, दूसरा क्या है आल्सो, आल्सो भी एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और तीसरा क्या है टू, TOO, तो टू बी, टू मतलब बी, ठीक है, ये भी एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, एज वेल एज ये भी एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और नो लेस देन, नो लेस देन ये भी एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है, और नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, तो ये भी एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। इनको क्या करना है, आपने यूज करना आना चाहिए इनको, ठीक है। एक क्या है बोथ एंड, बोथ एंड ये भी सेंटेंस में इस्तेमाल होता है, तो ये भी एक क्या है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है, नॉट ओनली के बाद ऐसा होगा, ठीक है, बोथ एंड ये भी एक क्या है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो नाइदर नॉर, नाइदर नॉर ये भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, आइदर और, आइदर और ये भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है, और क्या है, और आइदर, आइदर नाइदर हमने पढ़ लिया, अब क्या है बट, बट जो है ये बहुत इस्तेमाल होता है सेंटेंसेस में, बट मतलब लेकिन, ये बहुत इस्तेमाल होता है, ये भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, स्टिल ये भी क्या है एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, येट, येट भी क्या है एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और देयरफॉर, देयर फोर ये जो है कुछ कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं, तो ये आपने जो है क्या करना है, ये याद रखना है कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस कौन से हैं। जब भी आप सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाओगे तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है आपने याद रखना है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस में जो है आपने इस्तेमाल करने हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ हो आई होगी, और ये आपने जो है ये याद करना है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। जब इस्तेमाल करेंगे इसको हम, जब इनको एग्जाम्पल के द्वारा द्वारा हम क्या करेंगे, इनको यूज करेंगे, जैसे सेंटेंस बनाएंगे ही वॉज सैड येट ही डिड नॉट शो इट, तो यहां पे जो है सेम रैंक है क्लास का, इस क्लास का भी सेम रैंक है, इस क्लास का भी सेम रैंक है, तो मतलब इस क्लास के बिना, इस क्लास के बिना ये वाली क्लास जो है ये स्टैंड हो सकती है, मतलब ही वॉज सैड वो दुखी था, ये भी ठीक है, ही डिड नॉट शो इट ये भी मतलब इंडिपेंडेंट क्लास है, मीन्स इंडिपेंडेंट क्लास ये भी है, इंडिपेंडेंट क्लास ये भी है, ये बहुत दोनों जो है क्या है इंडिपेंडेंट क्लास है, तो ये बीच में जो कंजंक्शन यूज हुई इनको जुड़ाने के लिए ये है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। मीन्स कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इज द कंजंक्शन विच ज्वाइंस टू सेंटेंसेस ऑफ द सेम रैंक और टू क्लाजेस ऑफ द सेम रैंक। सेम रैंक मतलब जो ये है ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लाज है, तो दोनों इंडिपेंडेंट क्लाज है, इनको जोड़ने के लिए जो कंजंक्शन इस्तेमाल हुई वो कंजंक्शन कौन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। आई होप आपको समझ आ गई होगी। एक और सेंटेंस करते हैं, ठीक है, एक और सेंटेंस, इससे समझ आएगी ज़्यादा क्लियर होगा आपको। ट्रस्ट, TRUST, ट्रस्ट इन गॉड एंड यू एंड डू द राइट, डू द राइट, तो यहां पे क्या है, यहां पे ट्रस्ट इन गॉड डू द राइट, तो ये ट्रस्ट इन गॉड ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इसका रैंक जो है अच्छा मतलब वैसा ही है जिसका रैंक मतलब इसका रैंक भी सेम है, इसका रैंक भी सेम है, डू द राइट, डू द राइट का रैंक भी सेम है, ट्रस्ट इन गॉड ये भी सेम है, मतलब ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी स्टैंड हो सकता है अकेला, ये भी अकेला स्टैंड हो सकता है, मीन्स ये क्लास कौन सी है, ये क्लास इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, और सेम रैंक की क्लास किसने जोड़ा, एंड ने जोड़ा, एंड क्या हो गया कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। यहाँ तक क्लियर है आपको कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वो कंजंक्शन है जो क्या करती है, दो क्लासेस को जुड़ाती है या दो सेंटेंस को जुड़ाती है जिनका सेम रैंक हो, और जब ये जुड़ाती है वो कौन सा सेंटेंस बन जाता है, वो बन जाता है कंपाउंड सेंटेंस।
अब आपको कंपाउंड सेंटेंस भी बनाना आ गया होगा, मीन्स आपने अगर जब भी इनमें से कोई भी कंजक्शन आपने जो है यूज़ किया, इनमें से कोई भी कंजक्शन आपने यूज़ किया किसी सेंटेंस में, इट मीन्स दैट सेंटेंस इज कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर? कुछ और सेंटेंसेस लेंगे, यही वर्ड्स लेंगे, इनके बेस पे हम सेंटेंस बनाएंगे नेक्स्ट पेज पे। तो सेंटेंस लिखेंगे, थर्ड सेंटेंस लिखेंगे हम यहाँ पे, आइदर ही इज IGNORANT ignorant or he is fool। तो यहां पे देखिए आप, हमने कौन सा कंजक्शन यूज किया, आइदर और मैंने आपको बोला ये क्या है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो यहां पे क्या हुआ, आइदर ही इज इग्नोरेंट, यहां पे देखिए आप, या वो इग्नोरेंट है, तो ये भी जो है पूरा जो सेंटेंस है ये भी इंडिपेंडेंट है। ही इज फूल, ये भी इंडिपेंडेंट है, इनका रैंक जो है सेम है। तो किसने जोड़ा, आइदर आर ने इनको जोड़ा, या वो इग्नोरेंट है या वो बेवकूफ है। तो अब क्या हो गया कि ये सेंटेंस कौन सा बन गया, कंपाउंड, क्या सेंटेंस बन गया, कंपाउंड सेंटेंस बन गया। और कंजक्शन कौन सी इस्तेमाल हो गई, कंजक्शन इस्तेमाल हो गई आइदर आर, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम फोर्थ सेंटेंस और करेंगे इसी को आपको समझाने के लिए, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। तो यहां पे सेंटेंस एक और करेंगे, शी वर्कड हार्ड बट शी फेल्ड, ठीक है, failed फेल्ड। तो यहां पे जो है शी वर्कड हार्ड, ये देखो यहां जो शी वर्कड हार्ड इंडिपेंडेंट क्लास है, उसने हार्ड वर्क किया। तो उसके बाद हम जो है ये सेंटेंस है, शी फेल्ड, वो फेल हो गई। तो मतलब दोनों सेंटेंस जो है क्या है, दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट है, दोनों क्लास जो है इंडिपेंडेंट है। और इसको किसने जोड़ा, किसने इनको रिलेट किया, बट ने। तो बट क्या हो गया, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया, क्या हो गया, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है बट बन गया, ठीक है। तो इस तरह जो है आपने क्या करना है, सेंटेंसेस बनाने हैं। तो किस तरह आपको एग्जाम में आएंगे, या तो आपको ब्लैंक्स फिल करने होंगे, ठीक है, या तो आपको क्या करने होंगे, या तो चेंज करने होंगे, कंपाउंड सेंटेंस बनाना होगा। कोई सिंपल सेंटेंस होगा वहां पे, अगर होगा शी वर्कड हार्ड फुल स्टॉप शी फेल्ड, तो आपने क्या करना है, शी वर्कड हार्ड बट शी फेल्ड बनाना है, कंपाउंड बन जाएगा। तो शी वर्कड हार्ड फुल स्टॉप शी फेल्ड, तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये कौन सा सेंटेंस, ये सिंपल सेंटेंस है। जब आप उसको बट यूज करोगे, फुल स्टॉप हटा दोगे, इट बिकम्स कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर? एक और सेंटेंस हम लेंगे आपको समझाने के लिए, सेंटेंस लिखेंगे, श्याम वाज रूड देयरफॉर आई punish पनिश्ड हिम। तो ये सेंटेंस क्या है, शाम वाज रूड, शाम क्या था, रूड था, उसका मूड मतलब अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था बंदा, ठीक है। और आई पनिश्ड हिम, मैंने उसको क्या की, सजा दी। तो ये सेंटेंस भी इंडिपेंडेंट है, ये भी क्लास जो है इंडिपेंडेंट, दोनों क्लासेस जो है क्या है, इंडिपेंडेंट है। और इसको जोड़ा किसने, देयरफॉर ने। तो देयरफॉर जब इसको जोड़ता है तो वो बनता है, राम रूड था इसलिए मैंने उसको सजा दी। तो ये बन गया कंपाउंड सेंटेंस। और कंजक्शन कौन सी इस्तेमाल हुई, कोऑर्डिनेट क्यों हुई, क्योंकि दोनों क्लासेस क्या है, सेम रैंक के हैं, इंडिपेंडेंट क्लासेस, सेम रैंक के दोनों क्लासेस हैं। तो ये जो है कोऑर्डिनेट कंजक्शन इस्तेमाल हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन समझ आ गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शन आपको मैंने समझाया, अब सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन इसके उल्टे होते हैं, कोऑर्डिनेट के उल्टे होते हैं। जैसे सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो मैंने ऊपर लिखा है, आर द वर्ड्स विच ज्वाइन इन डीपीएनडीएनट इंडिपेंडेंट क्लास विद द डिपेंडेंट क्लास,
मीन्स क्या होता है इसमें, लिख लेते हैं। तो सबॉर्डिनेट कंजक्शन ऐसे कंजक्शन होते हैं जो क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट क्लाज को डिपेंडेंट क्लाज से जोड़ते हैं, या डिपेंडेंट क्लाज को इंडिपेंडेंट क्लाज से जोड़ते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें क्लाज जो होते हैं, एक क्या होती है, एक क्लाज जो होती है, ये मानो क्लाज है, ये क्या है, इन डिपेंडेंट क्लाज है, ये जो है इंडिपेंडेंट क्लाज है। तो इनको जो जोड़ती है वो है सबॉर्डिनेट कंजक्शन। मीन्स एक क्लाज जो है इंडिपेंड डिपेंड होती है, ये क्लाज जो है इस पर डिपेंड है, एक डिपेंड क्लाज होती है, एक इंडिपेंडेंट क्लाज होती है। तो इनको जो जुड़ाते हैं वो होते हैं सबॉर्डिनेट कंजक्शन। अब सबॉर्डिनेट कंजक्शन के वर्ड्स कौन कौन से हैं, मैं आपको दूसरे पेज पे लिख के दूंगा ये वर्ड्स, आप इसको जो है उतार लीजिए। इसके वर्ड्स कौन कौन से हैं, ये हैं द वर्ड्स आर, वर्ड्स कौन से हैं, कौन ये हैं कोऑर्डिनेट, जो सबॉर्डिनेट कंजक्शन, सबॉर्डिनेट कंजक्शन के वर्ड्स हैं कौन कौन से, व्हेन, एवर, टिल, अंटिल, बिफोर, आफ्टर, ठीक है, सिंस, व्हाइल, एज, एज सोन, एज सो लॉन्ग, सो लॉन्ग एज, जस्ट, ठीक है। और इसके और भी हैं जो मतलब प्लेस में आते हैं, वो कौन से हैं, वेयर, वेयर एक कंजक्शन भी है, वेयर एवर, वेयर एवर, वेंस, वेदर। तो ये जो है वर्ड्स हैं, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है, इनको आपने बोलना नहीं है। जैसे सिंस, बिकॉज, एज, दैट, बहुत सारे कंजक्शन हैं, बहुत सारे कंजक्शन हैं, आपने मतलब याद करना है इनको, मतलब ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सो दैट, सो दैट भी है, ठीक है, सो दैट मैंने लिखवाया आपको, सच दैट, सच, सच एज जैसे बाकी में आता है, दैट, दैट मैंने वैसे आपको लिख के दिया ऊपर। और बहुत इंपॉर्टेंट जो आपने याद रखना है इसमें, इफ, इफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूज होता है कंपाउंड सेंटेंस, कंप्लेक्स सेंटेंस में बहुत इस्तेमाल होता है इफ, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अनलेस, ये कंडीशन में इस्तेमाल होता है, जब कंडीशन की बात की, प्रोवाइडेड, ये कंडीशनल वर्ड्स भी होते हैं, कंडीशन वर्ड्स भी इनको बोलते हैं हम, अनलेस, अनलेस, प्रोवाइडेड, इफ, ये याद रखना है आपने, ठीक है। और दाओ, सो फार, सो फार तो मैंने ऐसे लिखवाया भी सब पहले हैं, सो फार। तो और क्या है, और भी वर्ड्स हैं, जैसे देन, मैंने अपने आपको लिखवाया नहीं, देन, देन भी है, ठीक है, ये आपने याद रखना है इन वर्ड्स को। तो हाउ एवर जो है ये भी आप इम्पॉर्टेंट है, हाउ एवर, हाउ एवर मतलब अलबत्ता, अलबत्ता, इसे हाउ एवर का मतलब क्या है, अलबत्ता, इसका उर्दू मीनिंग जो है अलबत्ता है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है जो आपने याद रखना है। और ये आपको जो है कहाँ पे इस्तेमाल होंगे, ये इस्तेमाल होंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, जब भी आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो आपको ये यहाँ पे इस्तेमाल होंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इनको इस्तेमाल करके देखना है, इनको मतलब खुद आपने क्या करना है, इनको जो है आपने सेंटेंस बनाना है, उनको उनमें यूज़ करना है। और जब भी ये वर्ड जो है यूज़ होंगे किसी सेंटेंस में, इट मीन्स दैट सेंटेंस इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और ये किनको बना, ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं ये सारे वर्ड्स, ये इस्तेमाल होते हैं, ये इस्तेमाल होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, जो जो एक डिपेंडेंट क्लाज है और एक इंडिपेंडेंट क्लाज है, चाहे ये इंडिपेंडेंट है चाहे ये डिपेंडेंट है, मगर ये डिपेंड करता है सेंटेंस पे। और ये वहीं इस्तेमाल होते हैं जहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो। मीन्स आपको ये बोला मैंने, कॉम्प्लेक्स
कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन दो सेम क्लाजेस को जो है जुड़ाता है, सेम रैंक के क्लाजेस को जुड़ाते हैं, और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वो कंजंक्शन होते हैं जो एक डिपेंडेंट हो एक इंडिपेंडेंट हो, उन दोनों क्लाजेस को जुड़ाते हैं। ठीक, अब हम उनकी सेंटेंसेस थोड़े से बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे हम जो है ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे यू शुड वेट हेयर टिल आई रिटर्न। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लास है और ये जो है डिपेंड है, ये डिपेंड क्लास है, ये किस पे डिपेंड है, इस क्लास पे, फिर इसका मीनिंग जो है क्लियर निकलता है। तो बीच में कौन सा कंजक्शन हुआ, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन हुआ, सबऑर्डिनेट, कौन सा कंजक्शन हुआ, सबऑर्डिनेट, और सबऑर्डिनेट कंजक्शन जब इस्तेमाल हो गया तो ये बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ऐसे आपने याद रखना है। अगर आपको सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आएंगे तो वहाँ पे भी आपने याद रखना है, जब भी ऐसे जो है सबऑर्डिनेट कंजक्शन यूज होंगे तो इट मींस वो कौन सा सेंटेंस बनेगा, वो बनेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे एक और एग्जाम्पल लेंगे, वी वर्कड हार्ड सो दैट वी मे लिव, इस तरह के लेंगे हम। तो यहाँ पे वी वर्कड हार्ड, ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास है, वी मे लिव क्या है, ये डिपेंडेंट क्लास है, इसको किसने जुड़ाया, या इस क्लास इस कंजक्शन ने जुड़ाया, ये कंजक्शन कौन सी है, सबऑर्डिनेट। क्लियर, तो ये कौन सा सेंटेंस बन गया, ये बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, और जैसे एक और सेंटेंस लेंगे हम, I took medicine in order that I might get well. तो I took medicine, मैंने medicine ली, in order that, मैंने इसलिए medicine ली, I might get well. तो I might get well, ये किसके लिए, मतलब ये independent, ये depend है, इसका clear meaning नहीं है, I might get well का meaning जो है clear नहीं है, ये किस पे डिपेंड है, ये आई टुक मेडिसिन पे डिपेंड है, ये इंडिपेंडेंट क्लास है, ये डिपेंडेंट क्लास है। डिपेंडेंट क्लास क्या होती है, डिपेंडेंट क्लास होती है जो किसी क्लास पे डिपेंड है, जिसका क्लियर मीनिंग नहीं है, जिसका क्लियर मीनिंग जो है खुद में नहीं है, और इंडिपेंडेंट होती है जिसका खुद में क्लियर मीनिंग है। जब भी ये दो क्लासेस जुड़ते हैं ये बनता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है उसको कौन जोड़ता है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। आई होप आपको कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्लियर हुआ होगा, और इन वर्ड्स को आप याद कीजिए। तो जब भी सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने होंगे, मतलब सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, सिंपल सेंटेंस, अब मैं आपको समझाऊंगा सिंपल सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस में जो है कोई कंजक्शन इस्तेमाल नहीं होती है, नो कंजक्शन इज यूज। ठीक है, नो कंजक्शन इज यूज, कोई कंजक्शन इस्तेमाल नहीं होती, ये जो है एक ही क्लास का, या तो एक ही क्लास का होता है या दो क्लासेस भी हो सकते हैं, मगर अलग अलग फुल स्टॉप होके जो है दो क्लासेस हो सकते हैं, तो इसका इसमें कोई कंजक्शन इस्तेमाल नहीं होगी, और कोई पार्ट ऑफ स्पीच इसमें रिपीट नहीं होता है। और ये इसका हम अलग से लेक्चर बनाएंगे, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का डिटेल्ड लेक्चर बनाएंगे, यहाँ पे आपको कंजक्शन समझा रहा था, इसलिए जो है ये भी समझाना जरूरी है, ये कंजक्शन इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं। ठीक है, और उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस में जो है क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस में सेम रैंक के, मैंने अभी बोला जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है वो इस्तेमाल होते हैं, सेम रैंक के सेंटेंस होते हैं, बीच में जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो है इनको जुड़ाता है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होते हैं, लेक्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है,
इसमें जो है एक डिपेंडेंट क्लाज होती है और एक इंडिपेंडेंट क्लाज होती है, तो इनको जुड़ाता है क्या, कौन सा, सबॉर्डिनेट। यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जुड़ाता है कंपाउंड सेंटेंस को, और यहाँ पे सबॉर्डिनेट कंजंक्शन जो है कम्प्लेक्स सेंटेंस को जुड़ाते हैं, तो उसका क्लियर मीनिंग निकलता है, तो वो बनते हैं कम्प्लेक्स सेंटेंस। और यही थे जो है हमने पढ़े कंजंक्शन। कंजंक्शन आपने याद रखना है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, इनके भी अलग अलग वीडियोस बाद में बनाएंगे हम, मगर इस तरह जो है ये कंजंक्शन वाला टॉपिक जो है कंप्लीट यहाँ पे हो गया। अगर आपको कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं, जब आपकी मर्जी हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, आप आराम से पूछ सकते हैं इस बारे में अगर आपको जो भी डाउट हो। तो ये कंजंक्शन वाला टॉपिक जो है आज हमने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे नरेशन, नरेशन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिटेल में उसके 5-6 पार्ट्स आएंगे, तो डिटेल में हम अच्छी तरह उनको डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की वीडियोज आपको मिलती रहें। शुक्रिया।